परंतु इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? जनता के काम नहीं हुए। आजकल तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? जनता के काम नहीं हुए। जनता को झूठी गारंटियां दी थी, एमएलए को जनता ने तंग करना शुरू किया, हमारे काम करो, सड़क बनाओ, बिजली दो, पानी दो। कांग्रेस के एमएलए जब मुख्यमंत्री के पास गए तो मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और कांग्रेस के एमएलए ने खुली बगावत करी मुख्यमंत्री के खिलाफ। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति हुई, 9 एमएलए ने मुख्यमंत्री को वोट दिखा करके डाला, तू इस वोट के काबिल नहीं है, ये वोट हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति पर जनता के काम नहीं किए, झूठी गारंटियां पूरी नहीं की, सड़कों का काम बंद हो गया, पानी का काम बंद हो गया, स्कूलों का काम बंद हो गया। अभी कॉल नेगी जी बोल रहे थे कि यहां पर कोई सब तहसील बनाई थी। अरे भाई, सब तहसील बनाई थी तो गलत किया था क्या? भाई सब तहसील खोली थी, गलत किया था? अरे हाँ जी ना जी बोलो यार। सब तहसील में कौन जाएगा? गरीब आदमी जाएगा ना, उसको रामपुर जाना पड़ेगा, किराया लगेगा, टाइम बर्बाद होगा, तहसीलदार नहीं मिलेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा जाएगा, यहाँ निकलेगा, घर से आएगा, तहसीलदार नहीं होगा, अगले दिन आ जाएगा। अब सब तहसील बंद करने का बहुत बड़ा घृणित पाप किया मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ जो कैबिनेट में बैठे जिन्होंने सब तहसील को खत्म होने दिया, वो भी मिले जुले पापी हैं, वो भी इसके हकदार हैं। तो ये सब तहसील नहीं ना, पूरे हिमाचल प्रदेश में 1500 संस्थान बंद कर दिए। अब जनता तो जवाब मांगती है, सवाल का जवाब मांगती है। अब गुस्सा आने लगा, जब वोट मिल गए बीजेपी को, 48 एमएलए वाली सरकार 34 पर आके खड़ी हो गई। कितने पर आई? 34 पर। 48 वाले कितने पे आए? 34 पे। 34 पे। तो फिर क्या बोले, ये जो एमएलए है ये काले नाग है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी बोल रहे, बोले काले नाग। बड़े परेशान। फिर बोले ये भेड़े। अब वो कभी उनको काले नाग नजर आते हैं एमएलए? जनता तो बेचारी क्या नजर आएगी, एमएलए काले नाग नजर आ। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि बीजेपी वाले गडरिए हैं और ये भेड़े हैं। अरे कमाल हो गया भाई, तुम्हारे को भेड़ और आदमी में फर्क नजर नहीं आता। अरे बदलते बदलते ऐसी स्थिति आई कि पिछले कल हमारे एक बड़े नेता ने बोला, ये तो मेंढक है, डड्डू है। अरे हालत क्या हो गई, हिमाचल की राजनीति कहां पहुंच गई? जनता पूछना चाहती है, मेरी सड़क बननी चाहिए, मैंने क्या लेना मेंढक से, मैंने क्या लेना डड्डू से, मैंने क्या लेना काले नाग से। मैंने जनता में एमएलए को जिता करके भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, मुख्यमंत्री बनाया, हिमाचल के विकास के लिए बनाया। हमको अपना काम चाहिए। जनता बोलती है साडा हक, साडा हक। अब साडा हक था इतने रखने वाली कोई गल नहीं है, थे कोई बताएगा किसको मिली? भाई किसको मिली? अपने दोस्तों को। 25 लोगों को नौकरी मिली, इनके दोस्त, इनके मित्र, जो कभी चुनाव लड़ते नहीं, जीतते नहीं, प्रधान भी नहीं बनते, उनको कैबिनेट रैंक की नौकरियां दी। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, आगे पायलट, पीछे पायलट, एस्कॉर्ट, कोठियां, बस, पूरी तनख्वाह। 25 लोगों को नौकरियां, बेरोजगार सड़क के ऊपर त्रस्त। भाइयों बहनों, ये सरकार सर्वाधिक निकम्मी सरकार साबित हुई,
और 1.5 साल के अंदर अंदर इस सरकार की परीक्षा की घड़ी आ गई और उस परीक्षा की घड़ी के अंदर ये चुनाव आ गया और उस चुनाव में हिमाचल की जनता को तय करना है इस निकम्मी सरकार को जवाब देना है या नहीं देना है। मैं और अगली बात कहता हूं,